रजिस्टर धर्मपुरा प्रधान श्री चक्रेश जैन महामंत्री श्री विजेंद्र जैन कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन सचिव श्री नीरज जैन मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन ये मोह की परिणति है। एक एक कहते हैं एक किताब मेरी है, ये कौन है पर पदार्थ है, कहीं ना कहीं मोह है। ये मोह उसका कहीं ना कहीं मोह के संबंध जोड़ने वाला है, ये मोह परिणाम ही उसके संसार का कारण है। और सुनो, अभी तुमने पूछा कि मोह क्या बला है, तो यही तो सबसे बड़ी बला है। संसार क्या है, चारों तरफ मोह राग देश का जाल के अलावा और कुछ भी नहीं है। सुन, कितना भी सोच लो, हमें तो कोई से राग नहीं है, हम तो बिल्कुल फ्री हो गए, हमें तो बिल्कुल निश्चिंत है, हम तो घर में रहकर बिल्कुल आनंद से। फिर भी घर में क्यों रह रहे हो, कहीं ना कहीं तो अभी घर से राग है वही। और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना, प्रभावित किससे, पर पदार्थ से प्रभावित, लेकिन सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। अब किसके काम करना है, मोह का काम करना है कि मोक्ष के धाम पे आना है। मोक्ष का धाम है, यह सुन कर तुरंत धन्य हो यह कह उठा कंटक पुना। आपकी व्याख्या, आपके शब्दों की कला कि देखिए, तो मैं तो हमेशा पर से प्रभावित था, जैसे शुरुआत में जब आप आए थे और आपके थोड़े से आघात से मैं कितना प्रभावित हुआ, आपको चुभना चाहता था, पीड़ा देना चाहता था, कष्ट देना चाहता था, दुख देना चाहता था। ये मैंने मन में ना जाने कितने प्रकार से संकल्प विकल्प किए, ना जाने कितने प्रकार से कष्ट देने के भाव सोचे, और मौके की तलाश में कब आए, मैं इसको क्या करूं, पीड़ा दो। ये मोही सोचता है, पर से प्रभावित होता है। आज वही हो रहा है कि हम एक दूसरे से क्या सोचते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो अगर मेरे साथ ऐसा कर दे तो अच्छा होता, वो मेरे लिए ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। मोह में ही चाह होती है, लेकिन निर्मोह ही किसके बारे में सोचता, जो मात्र अपने पर से नहीं अपने आप से भावित हो, प्रभावित हो, वो मोक्ष का धाम होता है। या मोक्ष का धाम आप लोगों को मिला है, मोह का धाम भी आप, आपके सामने मोह भी है और मोक्ष भी का धाम है। यह सुन तुरंत वह कांटा क्या क्या बोल चुका, धन्य है, धन्य हो ये कह कह उठा कांटा पुना। आज इसने सही साहित्य छाव में अपने आप को पाया, किसको पाया है, अपने आप को पाया है। झिलमिल झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती है, आपके मुख से निकलती शब्द पंक्तियां आई है। वो कांटा ऐसा लग रहा है आपके तो वचन सुनते ही जाओ मोती जैसे लग रहे हैं, जैसे मोती देखकर कि सबकी आंखें बिल्कुल ऐसी चमक जाती हैं, ऐसा लग वाह कितनी अच्छी सुंदर, कितनी अच्छी सुंदर है ये मोती की माला। मन ऐसा चमक जाता है, ऐसा चमक जाता है, आनंद से भर जाता है। वैसे ही आपकी ये शब्दावली, आपके द्वारा जो उपदेश मुझे मिला, ये कैसे है, मुख चंद्र ते अमृत झरे वाली बात हो रही है।
मुक्ता मोती सी लगती आपके मुख से निकली शब्द पंक्तियां ये लक्षणा का उपयोग प्रयोग विलक्षण है यहाँ बहुत किसी के द्वारा लक्षणा विशेष से उसके आपने जो ऐसा कहा कि लक्षणा ही मुझे विशेष है और उपयोग और प्रयोग विलोक विलक्षण है बहुतों से सुना पर बहुत कम सुनने को मिला यहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से सुना पर आज जैसी आपकी मोह की व्याख्या और मोक्ष की व्याख्या आपके मुख से सुनी बहुत कम लोगों से ऐसे सुनने को एक पर से प्रभावित हो सो उसका नाम मोह है और एक श्वास से प्रभावित हो सो उसका नाम है मोक्ष है एक संसार की व्याख्या और संसार के स्वरूप का वर्णन यहाँ ऐसा चिंतन इस प्रकार की व्याख्या बहुत कम लोगों से सुनने को मिलती है और सुनो व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है शब्दों का संयोजन व्यंजना अर्थ जो अपन कहते ना बोल करके सुनने में जो आ रहा है वे शब्द भी मुझे आपकी व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं यदि सुविधा हो बड़ी कृपा होगी उदार बनकर अविधा की विधा भी सुधारो बहुत अच्छा ऐसी व्याख्या करते हुए ये कर रहे हैं विविध प्रकार के व्यंजन भी भूल जाते हैं आपकी इस व्यंजना के सामने एक व्यक्ति जिसे खाने पीने की चिंता लगी है वो सोच रहा है उसमें रम गया है लेकिन जैसे ही आपकी वाणी सुनी मैं सब कुछ भूल गया कि मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊं क्या खाऊं क्या खाना है ये आपकी व्यंजना आपकी शब्दावली आपकी वाणी को सुनकर मैं सब कुछ भूल गया अब मुझे व्यंजनों की याद नहीं है मुझे अब शब्दावली की ओर नहीं है आपके व्यंजन विस्मृत होते यदि सुविधा हो यदि आपको सुविधा हो तो बड़ी कृपा होगी आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी क्या उदार बनकर अविधा की विधि भी सुधारो इसलिए अब मैं अपने जीने की कला को सुधारूं मैं कैसा करूं मेरी अब तक जो सोच थी मेरी जो विधा थी मेरे जो विचारों की परिणति थी ना जाने कैसे कैसे सोचा करता था कैसे कैसे मन में विचार करता था अब मैं क्या करूं उसको सुधारूं और अच्छे आप कहो कि ये मेरा साहित्य है वो साहित्य हो ही नहीं सकता साहित्य जो मेरा जिसका मेरा भी हित हो और जो पढ़े जो भी किताब देखे खोलते ही साथ उसको भी हित की बात निहित जरूर हो उसको पढ़ करके जिसके मन में हित का भाव जागृत हो जाए कि मुझे भी ऐसा करना है ये बात बिल्कुल सही जिनवाणी में क्या लिखा जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा उस बात को निहित करना पर के बारे में नहीं अपने बारे में करना अपने सोच को करना वही साहित्य है ओ साहित्य का भाव ही साहित्य बना अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्र भाव संपादन हो सही साहित्य वही है जिसके पढ़ने से अवलोकन से क्या हो वे सुख का साधन हो आर्तरोध्यान नहीं हो
अगर आपको कोई अच्छा बच्चा है और भी पढ़े और पढ़ करके उसके मन में आनंद की अनुभूति हो, वही सही। बच्चा भी क्यों ना हो, बूढ़ा भी क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, कोई भी हो, सबके लिए। मात्र ये मत नहीं सोनी चाहिए कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए नहीं। साहित्य ऐसा किसी व्यक्ति विशेष से बनकर के नहीं चलता। साहित्य और साहित्यकार जो होते हैं उनकी सोच सबको समसामायिक बनकर के होती है, तब वो लिखता है। कवि का हृदय हो, कवि की पंक्तियां हो, वो कभी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं लिखा करता। जिन वाणी अब आपके भगवान की वाणी है, हमारे भगवान की वाणी है, कभी उन्होंने कहा कि भाई ये ग्रंथ है, ये भगवान का वाणी है, ये मात्र किसके लिए है? पुरुषों के लिए, सभी जीवों के लिए है। बस अंतर इतना है कि समझने वाला चाहिए, हर वाणी को समझने की पात्रता भी चाहिए। अगर आपके पास पात्रता नहीं है तो आप उस वाणी को झेल भी नहीं सकते हो। इसलिए लिखा है जिनेंद्र भगवान की वाणी के लिए अच्छी पात्रता चाहिए। ऐसा वैसा नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे महाराज, शुरुआत कैसे करें, कैसे समझें? धीरे धीरे। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई कितना भी हिंसक जानवर क्यों ना हो, उसका पालन पोषण तो उसकी माँ के दूध से ही होता है। देखो सिंह भी, उसका बच्चा जो है, शुरुआत हिंसक है, स्वयं हिंसा करना उसका उद्देश्य है, दूसरों को मार करके खाता है। लेकिन जब उसको बच्चा होता है, वह बच्चा जब पालन पोषण करता है, तो क्या किसी को मार करके? गलत नहीं, उनका मालन पालन पोषण तो उसको एक अहिंसक वृत्ति से ही शुरुआत होती है, हिंसक जानवर की भी। ऐसे भी जो प्राणी होते हैं वे माँ के दूध को पिलाते हैं, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है फिर बाद में उसको कैसे अपना भरण पोषण करना है, उनको शिकार करना सिखाते हैं। ऐसे ही साहित्य में शुरुआत में जिनवाणी में जो बात होती ना बच्चों को, वहाँ छोटे छोटे से थोड़े थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा करके बच्चों को पाठशाला पढ़ाते हैं, जिनवाणी के रहस्य बताते हैं, और एक बार अब उसको पता चल जाता तो धीरे धीरे और अंदर उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती चली जाती, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। और जिज्ञासा बढ़ती 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 जितने जितने हम गहराई में चले जाते हैं, उतने उतना अपने अंदर और ज्ञान की गहराई हमारी आती जाती है। वही बात है साहित्य में, अवलोकन करो, सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य वही, अन्यथा स्वर्वी से भी रहे तो पुष्प सम, सुख का राहत है वह सार सून शब्द झुंड, ऐसा शब्द दिया है। राहित, राहित कर तो उससे रहत है, साहित्य नहीं है वो, है ना। वो क्या है, मात्र क्या है, सुरभि से, जैसे कागज का फूल दिखने में तो अच्छा लगता है नहीं, कागज का फूल दिखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अगर अच्छी बात नहीं हो, उसमें अगर गंध नहीं है, तो बोले कि कागज के फूल और ओरिजिनल फूल दोनों में अंतर एक है कि एक दिखने में अच्छा लगता है, एक दिखने में भी अच्छा लगता है पर सुगंध भी अच्छी लगती है। वैसे ही सत साहित्य की दशा, उस फूल की बाती जो दिखता भी अच्छा है और गंध भी अच्छी आती है, लेकिन जो मात्र कैसे है, सुरभि से भी रहत पुष्प सम, यानी सुगंध से रहत पुष्प सम, सुख राहित,
सुख से कैसे है? रहित है। वह सार शून्य है, लिख तो दिया, क्योंकि उससे कोई सार मिलने वाला, और मात्र क्या है वो? शब्दों का झुंड है, समूह है। अब आप कहेंगे, देखो एक व्यक्ति जंगल में गया, हाँ, और जंगल में जाने के बाद जा रहा है, अब उसमें देख रहा है कि उसकी काम की लकड़ी कितनी है और बेकाम की कितनी है। जंगल में जाने के बाद बताओ, बिना काम की लकड़ी काटता है कि काम की लकड़ी काटता है? सारभूत वो, मैं आया हूं फालतू से इधर उधर के में झाड़ियों में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, इसमें अपने आप का समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। वो तो ये सोचता है कि मेरे काम का क्या है, उसको अपने आप के लिए उसमें लगता है, वो काम की चीज निकालने की कोशिश करता है। जिसके अंदर साहित्य के प्रति लगाव होता है, सच्ची आगम के प्रति लगाव होता है, जनवाणी के प्रति लगाव होता है, वो कहता है दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं, जहां उसको धर्म ध्यान का कारण मिले वहां वह वहां रमता है। और बाकी फिर कहता है अरे भैया राग द्वेष की कथा में कुछ नहीं रखा, जहां बैठ जाओ दुनिया की बात सुनाने वाले 50 मिल जाएंगे, लेकिन सारभूत बात को सुनाने वाले बिरले ही मिलते हैं। राग द्वेष की कथा करने वाले तो गली कोचे पर खड़े हो जाओ, 50 लोग मिल जाएंगे, पर जिनवाणी की सार या सत साहित्य का सार बताने वाले लोग बिरले ही मिलते हैं। वही बात है शब्द संदों का, ये सारा का सारा क्या है? झुंड है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि शांति श्वास लेता है, शांति की श्वास लेता है। ऐसा यों कहा जाता है कि शांति का श्वास लेता है सार्थक जीवन ही सर्जक शाश्वत साहित्य का। जो सही साहित्य को समझता है, साहित्य को अपने जीवन का आधार बनाता है, वही व्यक्ति शांति से श्वास लेता है। इसी साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती है, कान भी सुन सकते हैं, इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यही साहित्य जीवंत है ना, ऐसा वही साहित्य जीवंत है, जयवंत है। इस बार अब आगे की बात, साहित्य की बात सुनने के बाद कांटे के मन में और भी बात आएगी, और उसके माथे पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आगे पढ़ेंगे। आज का समय अपना पूरा हुआ, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। समाधि तंत्र छिपा है जिसमें विश्व को बदल देने का अद्भुत रहस्य, जो मानस पटल को भर देता है आध्यात्मिक शांति से। आइए हम और आप समझते हैं महान आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित इस कालजयी ग्रंथ के गूढ़ श्लोकों का अर्थ और उनकी सटीक व्याख्या। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री